फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन गोल्डवर्थी के फेमस नॉवेल द फोर साइड सागा के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। और इस नॉवेल फोर साइड सागा और जस्टिस के लिए ही जॉन गोल्डवर्थी को 1932 में नॉवेल पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया था। मुख्य रूप से द फोर साइड सागा और जस्टिस ही थे। तो अभी फिलहाल में जो हम लोग बात कर रहे हैं, द फोर साइड सागा है, ये इन्होंने तीन पार्ट में लिखा है। फर्स्ट पार्ट है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेकेंड है द चौथे एंड द थर्ड इज टू लेट। ये तीनों पार्ट द फोर साइड सागा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और मुख्य रूप से जो इसकी बात है, ये तीनों पार्ट उन्होंने अपनी वाइफ एडा को डेडिकेट किए हैं। आपको ये बात याद रखनी है। अब आगे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में है, तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से सारे क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पूरी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। स्टोरी 1886 की कहानी है ये, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली की पूरी कहानी होती है। अब कहानी कैसे शुरू होती है कि द ओल्ड जोलियन फोरसाइथ, जो कि फैमिली के मुखिया होते हैं, परिवार के मुखिया होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, ये अपनी पोती की जून की एंगेजमेंट कर रहे होते हैं। ये इनकी पोती होती है, पोती का नाम होता है जून। जून की एंगेजमेंट कर रहे होते हैं किसके साथ? फिलिप बोसनी के साथ, जो कि एक आर्किटेक्ट होता है, घर बनाने वाला होता है, वो घर डिजाइन करता है, घर को बनाता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। जून की एंगेजमेंट होती है फिलिप बोसनी के साथ। अब दादाजी इनकी एंगेजमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जो ओल्ड जोलियन है, इसका बेटा यंग जोलियन, ये भाग गया होता है गवर्नेस के साथ में, और ये इसका फादर होता है। ये भी देख लीजिए, जून का फादर है यंग जोलियन, ये गवर्नेस के साथ भाग गया होता है और वहीं पर वो शादी कर लेता है। जब वो शादी कर लेता है तो वहां पर उसके दो बच्चे होते हैं, हॉली एंड जोली। ये जोली दो बच्चे होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये तो पता है, ये मैं बता चुकी हूं कि एंगेजमेंट पार्टी इनकी चल रही होती है। एंगेजमेंट पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए सभी फोरसाइट फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, सभी फोरसाइट इकट्ठा हुए होते हैं। अब जब इसकी एंगेजमेंट हो जाती है, जून की एंगेजमेंट हो जाती है, तो ये अपने फियोंसे फिलिप बोसनी के साथ में बिजी हो जाती है और अपने दादाजी को समय, ओल्ड जोलियन को समय नहीं दे पाती है। तो ओल्ड जोलियन बहुत ज्यादा अकेले हो जाते हैं। तब वो अपने यंग सन यंग जोलियन को याद करते हैं और उनको वो बुलाना चाहते हैं। यंग जोलियन जो कि एक पेंटर है और एक राइटर भी है, ये लॉयड के लिए पेंटिंग और राइटिंग करता है। इसके बाद आगे देखिए क्या होता है कि ओल्ड जोलियन 10 शिवलिंग होते हैं, जिसमें उनका एक भाई भी होता है जेम्स। ये 10 भाई बहन हैं और ओल्ड जोलियन बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, ये सभी के लिए सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। अब फैमिली के सभी जितने भी लोग हैं, सभी लोग जानते हैं कि इसके भाई ओल्ड जोलियन के भाई जेम्स का एक बेटा होता है सोम्स, जो कि आयरनी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। इनफैक्ट वो मैरिज कर भी लेता है, शादी इससे
कर भी लेता है, हो जाती है शादी। और ये जो शोम्स है ये इसका मेन करेक्टर है, इस कहानी का मेन करेक्टर है और एक लॉयर भी है, ये एक लॉयर के पद पे भी काम करता है। तो आगे देखिए, ये शोम्स और आयरनी जिनकी शादी हो गई होती है, आयरनी शोम के साथ खुश नहीं होती है, ये खुश नहीं होती है क्योंकि सोम्स इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है आयरनी को, और उसको बहुत बाउंडेशन में रखता है, उसको फ्रीडम नहीं देता है, आयरनी को फ्रीडमनेस बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। 4 साल के बाद जब इनकी शादी हो जाती है, बाउंडेशन महसूस करते हैं, तब सोम्स एक प्लान करता है। अब ये तो एक बहुत ही प्रॉपर्टी वाला होता है, पैसे के पीछे भागने वाला व्यक्ति होता है, ये ध्यान दीजिएगा एक एक। तब वो एक प्लान करता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी वाइफ आयरनी की को खुश कर दे और वो खुशी खुशी दोनों लोग साथ में रहने लगे। तब वो एक प्लान करता है एक घर बनवाने के लिए, घर बनवाने के लिए वो प्लान करता है और वो घर बनवाता है रॉबिन हिल नाम की जगह पर, घर बनवाने के लिए प्लान करता है। अब घर बनवाना है तो घर बनवाने के लिए एक आर्किटेक्ट की भी जरूरत होगी। अब आर्किटेक्ट उसकी फैमिली का ही एक व्यक्ति होता है, कौन? फिलिप वॉशनी। फिलिप वॉशनी घर बनाता है अपने हिसाब से, लेकिन जो फिलिप वॉशनी घर बनाता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन शोम्स इस घर को कॉस्टली नहीं बनवाना चाहता है, वो कम पैसे कम लागत में ही एक अच्छा घर बनवाना चाहता है। तो इन दोनों का तालमेल नहीं बैठता है, वॉशनी का और सोम्स का तालमेल नहीं बैठता है और इन दोनों की पटरी नहीं खाती है। तो फिलिप वॉशनी को गुस्सा आ जाता है और वो कह देता है कि मैं घर बनाऊंगा तो अपने हिसाब से ही बनाऊंगा। अब आयरनी एक बार अपना घर देखने के लिए आती है, ये यहाँ पर घर बना रहा होता है, रॉबिन हिल नाम की जगह होती है, ये घर बना रहा होता है। अब आयरनी अपना घर देखने आती है जहां पर वो फिलिप वॉशनी से मिलता है। फिलिप वॉशनी से आयरनी दोनों लोग मिलते हैं तो ये दोनों लोग एक दूसरे के अट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो जून को बहुत ज्यादा हर्ट होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत ज्यादा बेचारी वो दुखी हो जाती है। तो वो अपने ग्रैंडफादर और ओल्ड जोलियन से कहती है कि वो कहीं बाहर घूमने जाना चाहती है, तो उनके फादर उसको कहीं आउट ऑफ स्टेशन घुमाने ले जाते हैं ताकि उसका मन बहल सके और वो अपने आप को बिजी रख सके। अब इसी बीच ओल्ड जोलियन अपने यंग जोलियन को एक खत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जाकर के फिलिप वॉशनी से पूछो कि फाइनली करना चाहता है, तो वो इसे डिनाई भी कर सकता है, मना कर सकता है। अब घर बनकर तैयार हो जाता है, तब वॉशनी और सोम्स के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है क्योंकि ये जो मकान होता है, ये जो उसने एक जगह बनवाई होती है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, जिसे देखकर सोम्स बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उस पर केस भी कर देता है, वॉशनी पर केस कर देता है। अब चूंकि ये सोम्स तो एक लॉयर है तो इसे तो न तो इसे कोई वकील करना है ना ही वकील का खर्च देना है। अब जब वो केस करता है तो वो केस जीत भी जाता है, सोम्स केस जीत जाता है। और केस जीतने के बाद वो आयरनी से घर में रहने के लिए कहता है कि मिलजुल करके रहेंगे, लेकिन आयरनी उसके उस घर में रहने से मना कर देती है क्योंकि सोम्स आयरनी के ऊपर बहुत जुल्म करता है, उसे बहुत सताता है। इनफैक्ट सोम्स ने एक बार आयरनी का रेप भी किया, तो आयरनी रॉबिन हिल नाम की जगह पर रहने से वो मना कर देती है, वो नहीं चाहती है कि वो वहां पर रहे। अब जब सोम्स आयरनी को टॉर्चर करता है तो वॉशनी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि फिलिप वॉशनी बहुत ज्यादा बीमार हुआ होता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिस कारण से वो बहुत उसको इंजरी होती है और वो जानता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा। आयरनी अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, इसको सोम्स को छोड़ देती है और उसके साथ रहने से मना कर देती है। अब इधर फिलिप वॉशनी की डेथ हो जाती है, उधर आयरनी सोम्स को भी छोड़ देती है। अब आयरनी बहुत अकेली हो जाती है और जून भी बहुत ज्यादा हर्ट होती है, दुखी होती है क्योंकि
उसका जो फियोंसे होता है इसकी डेथ हो गई होती है, ये मर गया होता है, तो वो उसके ही सोच में बहुत ज्यादा परेशान रहती है। अब जून अपने फादर अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि वो इसको खरीद ले। ये कहती है कि ये जो रॉबिन हिल नाम की जगह है वो इसको खरीद ले, और उसके दादाजी उसको खरीद लेते हैं। हो सकता है आपको इसमें काफी ज्यादा मिक्सिंग लग रही हो, लेकिन मैं आप जब स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जब रॉबिन हिल नाम की जगह खरीद लेते हैं तो आयरनी ओल्ड जोलियन के पास जाती है, उनसे मिलती है, उनसे बात करती है, क्योंकि आयरनी के पास भी दूसरी कोई जगह नहीं होती है, वो किसके सहारे रहे, कहाँ रहे, अब है तो परिवार की ही बात, तो ओल्ड जोलियन के पास जाती है और उनसे टाइम टू टाइम मिलती रहती है, बातचीत होती है, तो इससे उनको काफी उससे अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है दादाजी को। और दादाजी अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा आयरनी को भी दे देते हैं, जिससे आयरनी इस रॉबिन हिल पर रहने लगती है और एक लग्जरी लाइफ रहने लगती है। अब सोम्स बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, पैसे कमाने में लगा रहता है, सोम्स पैसा कमाता है, लगा रहता है, लेकिन वो पैसा कमाए तो किसके लिए कमाए, उसके पास कोई वारिस नहीं है। तब वो आयरनी के पास जाता है और आयरनी से कहता है, बातचीत करता है, लेकिन आयरनी उसके लिए मना कर देती है, उसके साथ रहने के लिए मना कर देती है। तब सोम्स डिसाइड करता है कि वो एक फ्रेंच वुमेन एनेट के साथ शादी करेगा, और उससे एक वारिस भी उसे चाहिए था, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी का मालिक फिर कौन होगा। लेकिन वो सोम्स एनेट के साथ शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि बिना आयरनी के डिवोर्स लिए, बिना आयरनी से डिवोर्स लिए वो एनेट से शादी नहीं करेगा। तब वो एनेट के उससे डिवोर्स लेने आयरनी के पास जाता है, फिर भी उससे वो एक बार बात करता है कि वो उसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन आयरनी बिल्कुल टोटली मना कर देती है सोम्स के साथ रहने के लिए, और वो बिल्कुल उसके साथ रहना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो आयरनी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। अब यंग जॉयलन की वाइफ जो थी वो मर जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं यंग जॉयलन की वाइफ, जिनसे हॉली और जॉली दो बेटे थे, दो बच्चे थे उनके, तो इनकी वाइफ मर जाती है। तब जो यंग जॉयलन है और आयरनी है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आयरनी और यंग जॉयलन दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और लास्ट में जब आयरनी सोम का डिवोर्स हो जाता है तब जॉयलन और आयरनी शादी कर लेते हैं, सोम्स और एनेट शादी कर लेते हैं। ये दोनों लोग पेरिस में जाते हैं और पेरिस में शादी कर लेते हैं वहीं पर।